आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है और विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से नोकझोंक हो सकती है। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है, विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है और आज बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष से नोकझोंक हो सकती है। बजट को लेकर अभी भी विपक्ष के आक्रामक तेवर हैं और बजट सत्र की कार्यवाही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। यहां वो कैग की रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं गैरसैंण से। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज छठवां दिन है और लगातार विपक्ष जो है सत्र की अवधि को लेकर हंगामा मचा सकता है। आज ऐसा भी आशंका जताई जा रही है कि आज भी हंगामा देखने को मिलेगा, पिछले दिनों भी हमने लगातार हंगामा ही देखा है, तो आज क्या कुछ होने वाला है जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए कौशल, 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज जो सबसे खास है वो है कैग की रिपोर्ट, जिसे सीएम जो है पेश करेंगे और इस पर जो है सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। इसके साथ ही विनियोग आज लाया जाएगा और इसके जितने भी जो विधेयक हैं उनको आज सदन के पटल पर रखकर पारित किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर विश्वविद्यालय के जो विधेयक हैं उनको पास किया जाएगा। इसके साथ ही आज की जो खास बात रह सकती है वो है नियम 310 के तहत विपक्ष आज भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सदन में उठा सकता है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष है। और ऐसे में अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठता है और ऐसे में विपक्ष के वॉकआउट करने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। अगर विपक्ष आज कुछ ना कुछ सहयोग अगर करता है सत्ता पक्ष का तो आज जो है कल तक जो है ये जो विधेयक है उनको पास किया जाएगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के द्वारा अगर आज हंगामा किया जाता है तो जितने विधेयक हैं उनको सदन में जो है सत्ता पक्ष पारित कर देगा। तो इस तरीके से पूरा आज देखने को मिलेगा। कैग की रिपोर्ट पर विशेष तौर पर आज देखने को मिलेगी कि कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, जिसे मुख्यमंत्री पेश करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष जो है आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, चाहे लोकायुक्त को लेकर बात हो या फिर इससे पहले भी कांग्रेस ने जो एक स्टिंग जो है दिखाया था उस पर जांच की बात हो, तो इसको लेकर भी आज जो है विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि इसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं कि किस तरीके से जो है हम सदन को संचालित करना है और विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना है, लेकिन विपक्ष अगर वॉकआउट होता है तो एक देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बिल्कुल, तो विपक्ष अगर वॉकआउट करता है, हंगामा करता है और वॉकआउट करता है तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास होने हैं रवि। और इसके अलावा क्या उन विधेयकों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं जिनको आज सदन में रखा जाएगा और जिनके पास होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय अधिनियम जो है उनको आज पास किया जाना है, उसमें हिमालयन विश्वविद्यालय को जो अधिनियम है उसको पास किया जाना है। इसके साथ ही जो पंचायती राज से जुड़े हुए अधिनियम है उनको भी आज पास किया जाना है। तो ये सब विधेयक हैं जिनको सदन के पटल पर रखा जाना है और ये उसके बाद जो है आज पारित हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।